पाकिस्तान भारत की चेतावनी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बीच हुई बातचीत की और भारत की नाराजगी से जाहिर होती है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलगाववादी नेताओं से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की मुलाकात पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। दोनों देशों के बीच बातचीत को भी रद्द कर दिया गया, लेकिन इन सबसे दूर बिना किसी हिचक के भी पाक उच्चायुक्त ने दिल्ली में अलगाववादियों से बैठक की। पाकिस्तान कैसे कर पा रहा है इतना दुस्साहस, अब क्या करेंगे मोदी? प्रधानमंत्री मोदी के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह विजिट टू इस्लामाबाद फॉर टॉक्स ऑन 25 अगस्त स्टैंड्स कैंसिल। पूरी दुनिया के सामने भारत की खिल्ली उड़ा रहा है पाकिस्तान। द इनविटेशन टू सो कॉल्ड लीडर्स ऑफ द हुरियत By Pakistan's High Commissioner does indeed raise questions about Pakistan's sincerity and shows that its negative approaches and attempts to interfere in India's internal affairs continue unabated. Pradhan Mantri ki naak ke theek niche dussahas kar raha hai Pakistan. प्रधानमंत्री मोदी के सामने देश के दुश्मनों से मिल रहा है पाकिस्तान। ये जो भारत की हुकूमत ने 25 अगस्त को होने वाली बातचीत को मनसूख किया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इसको एक नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है हुर्रियत की मीटिंग को, मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों, क्योंकि पिछले 20 साल से हम आते रहे हैं, हमने बात की है। बातचीत बंद हो जाने के बावजूद बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। अगर इसको हल करना है फिर कश्मीर के लोगों को कानूनी और आईनी हक है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत में उनको शामिल किया बहसे फरीक, ताकि कश्मीर के मसले का हल कश्मीर के लोगों की मर्जी के मुताबिक निकल आए। वजीर आजम कभी आए, कभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, कभी आगरा समिट बना, तो हम उस वक्त भी आते रहे, तब ये मसला नहीं। अब की बार क्या ये मजबूरी पड़ी है कि इन्होंने कॉल ऑफ किया है। 24 घंटे बाद भी नहीं सुधरा पाकिस्तान। अगर लाल किले से सख्ती के साथ कहा जाता, चीन और पाकिस्तान को मैसेज दिया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। इतने बड़े संकट के बाद अब क्या करेंगे मोदी? वो किसी से भी जो मिले पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, वो बिना अपनी सरकार के इजाजत के वो असंभव है। तो इसलिए ये स्पष्ट होने की जरूरत है कि अपनी रुझान है क्या, हम चाहते क्या है। क्या पाकिस्तान के उच्चायुक्त को इस्लामाबाद भेजेंगे मोदी? युद्ध करने की तो ताकत होती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से मिले अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने दावा किया है कि अटल बिहारी वाजपेयी समेत पहले के प्रधानमंत्रियों को इस तरह की बैठकों पर कोई एतराज नहीं था, तो मौजूदा सरकार को क्यों एतराज है? पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अलगाववादियों से मिलने पर भारत के एतराज के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत के अधीन नहीं है। उधर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इधर भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अलगाववादियों से मिल रहे थे, उधर पाकिस्तान न केवल भारत के विरोध को नजरअंदाज कर रहा था बल्कि अलगाववादियों से मुलाकात को सही ठहराने की हर कोशिश कर रहा था। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता तस्नीम असलम ने इस मुलाकात को सही ठहराते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के अधीन नहीं है, जो उसके कहने पर पाकिस्तान चले। मंगलवार को अलगाववादी नेताओं सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता मीरवाइज उमर फारूक ने दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। गिलानी की बासित के साथ मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। कश्मीर को भारत का आंतरिक मसला नहीं मानने वाले इन नेताओं ने कहा कि बिना उनके शामिल हुए भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली कोई भी बातचीत अधूरी है। उनको अप्रिशिएट किया कि आपने स्टैंड लिया कि नहीं, ये लोग आते रहते हैं यहाँ, और ये लोग जम्मू कश्मीर का मसला जो बुनियादी मसला तो वही है, जब तक वो लोग मुतमइन न हो जाएं उस वक्त तक जम्मू कश्मीर का कोई पायदार हल
निकाला नहीं जा सकता है। ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, ये पिछले 20 साल से हम आते हैं, अपनी बात कहते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि इस प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाए। अगर इसको हल करना है फिर कश्मीर के लोगों को कायनी कानूनी और आईनी हक है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत में उनको शामिल किया। बासित से मिलने के बाद अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दावा किया कि इससे पहले के प्रधानमंत्रियों को इस तरह की मुलाकात पर कभी कोई एतराज नहीं रहा। बासित से सोमवार को ही मिल चुके शब्बीर शाह ने कहा कि सरकार को बातचीत रद्द नहीं करनी चाहिए थी। इनको बातचीत का सिलसिला तोड़ना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर वाकई ये बरसगीर में अमन देखना चाहते हैं, साउथ एशिया में अमन देखना चाहते हैं। इधर इस मसले पर देश की सियासत भी गर्म रही। सेपरेटिज्म और टेररिज्म के साथ वॉक और भारत सरकार के साथ टॉक, ये दोनों नहीं चलेगी। कश्मीर से चलकर दिल्ली आ रहे हैं, आपकी नाक के नीचे बैठकर पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उनसे बातचीत कर रहा है, आपने तब भी कोई कदम नहीं उठाया। जब बातचीत हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तब आप कदम उठा रहे हैं। भारत ने ठीक जवाब दिया है कि जब तक के इस तरह की हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तब तक हमारी बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई दरार पर अमेरिका ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत का टूटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वो हमेशा से ही दोनों देशों के बीच बातचीत का पक्षधर रहा है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर पाकिस्तान सरकार और कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की दलील है कि उनकी मुलाकात हमेशा से होती रही है। ये सही है, जब कभी पाकिस्तान के बड़े नेता या हुक्मरान भारत के दौरे पर आए हैं उन्होंने अलगाववादियों से मुलाकात की है, लेकिन क्या यही वो वजह है जिसे मोदी सरकार भी जस का तस मान लेती और इन मुलाकातों पर आपत्ति जाहिर नहीं करती। इस पर जानकारों की अपनी अपनी राय है। हम आपको दिखाते हैं कब कब भारत आए पाकिस्तानी नेताओं ने अलगाववादियों से मुलाकात की। शरीफ ने जगाई थी उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर जब नवाज शरीफ भारत आए थे तो एक नई उम्मीद जगी थी। अरसे बाद ऐसा हुआ था जब भारत आए पाकिस्तान के बड़े नेता ने कश्मीर के अलगाववादियों से न बात की और न ही मुलाकात की, लेकिन रिश्तों की ये गर्मजोशी जल्द ही ठंडी पड़ गई। इससे पहले जब कभी पाकिस्तान के हुक्मरान आए उन्होंने अलगाववादियों से बात की। 1995 फारूक लेखारी ने की मुलाकात। 1995 में दिल्ली में हुए सार्क सम्मेलन के वक्त भारत आए पाकिस्तान के राष्ट्रपति फारूक लेखारी ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की थी। 1 जुलाई 2001 परवेज मुशर्रफ ने आगरा समिट से पहले दिल्ली में अलगाववादी नेताओं से बात की। 1 अप्रैल 2005 एक बार फिर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दिल्ली में कश्मीर के हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की। 1 अप्रैल 2007 सार्क सम्मेलन के लिए भारत आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने अलगाववादी नेताओं से दिल्ली में मुलाकात की। 1 जुलाई 2011 भारत आए पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा से मुलाकात करने से पहले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिलना नहीं भूली। 1 नवंबर 2013 पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में अलगाववादी नेताओं से बात की। इतना ही नहीं, भारत में पाकिस्तान के अधिकारियों और कश्मीर अलगाववादियों की मुलाकात लगातार होती रहती है। ये मीटिंग साल में कम से कम दो बार होती है। सूत्रों के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के वक्त भी कम से कम 12 बार ऐसी मुलाकातें और बैठकें हुई थी और भारत सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। अलगाववादी नेता इन्हीं बैठकों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अब इन मुलाकातों पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं। कभी ये विवाद नहीं उठा, आप क्यों अब की बार क्यों, अभी जो शोर बाकी चीज, अब तो मैं समझता हूँ कि जो मैं समझता था कि मोदी साहब बड़े डिसीजन पावर दे पाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका जो हमें सुनने में आया कल से बड़ा प्रेशर आ रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इन दलीलों के आधार पर भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान के दखल को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान की तमाम नापाक हरकतों के बावजूद एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उम्मीद की किरणें एक बार फिर कमजोर पड़ गई हैं। भारत ने बातचीत से इनकार कर दिया है।
बातचीत रद्द होने की असली वजह सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका ठीकरा भी भारत के सिर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसके उच्चायुक्त ने अलगाववादियों से बात भी की। अमेरिका ने भी इस बातचीत के रद्द होने पर निराशा जाहिर की है। क्या तीन तरफ से घिर गए हैं मोदी? क्या चीन पाकिस्तान की जोड़ी पड़ने वाली है भारी? क्या मोदी की कूटनीति पड़ रही है कमजोर? कश्मीर से दिल्ली पहुंचे अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। विक्ट्री साइन बनाते पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने जा रहे गिलानी इस बात को लेकर निश्चिंत दिख रहे हैं कि पाकिस्तान भारत की चेतावनी की परवाह नहीं करता। इसी आत्मविश्वास में वो भारत द्वारा विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने को पूरी तरह से गलत करार देते हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार की ये बात बिल्कुल गलत है कि कश्मीरी अलगाववादियों से पाक सरकार बात नहीं कर सकती है। उनका ये कहना ठीक नहीं है। उनको बहरहाल जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है। जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल ना हो जाए मेरे बेटे, उस वक्त तक कहीं अमन कायम नहीं हो सकता है। मैं आपको विद फुल फोर्स और ये जो एतमाद है, एतमाद के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस वक्त तक अमन कायम नहीं होगा। सैयद अली शाह से पहले एक और अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद ने सोमवार को दिल्ली में अब्दुल बासित से मुलाकात की थी। उसी के बाद भारत ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बातचीत रद्द करने का फैसला किया था। फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह विजिट टू इस्लामाबाद फॉर टॉक्स ऑन 25 अगस्त स्टैंड्स कैंसल्ड। लेकिन भारत सरकार की आपत्तियों को पाकिस्तान ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। अब्दुल बासित अलगाववादी नेताओं से मिल रहे हैं, उधर पाकिस्तान भी दोनों देशों के रिश्तों में आई खटास के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत से पहले कश्मीरी नेताओं के साथ बैठक करने की लंबे समय से परंपरा रही है, ताकि कश्मीर मुद्दे पर अर्थपूर्ण बातचीत की राह बनाई जा सके। भारत के फैसले से बेहतर रिश्ते बनाने की हमारी नेतृत्व की कोशिशों को झटका लगा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से शांति और विकास का विजन पेश किया था और यही वजह थी कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का न्योता स्वीकार किया था। दोनों प्रधानमंत्रियों की सहमति के बाद ही विदेशी सचिवों की बैठक तय की गई थी। कांग्रेसी मोदी सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इसे भारतीय कूटनीति की नाकामी करार दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जब पूरी दुनिया को ये पता है कि दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान के उच्चायुक्त कश्मीरी अलगाववादियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो पहले ही सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि बासित आखिर कैसे हमारे ही देश में हमारी नीतियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री लाल किले से सख्त मैसेज दे देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। किसी भी देश के साथ बगैर बातचीत के समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सख्ती के साथ बात करते तो बातचीत भी होती और पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल भी नहीं देता। आप इंतज़ार करते रहे, अलगाववादी दिल्ली आए, आपने इंतज़ार किया, आपको मालूम था उसकी इजाज़त कौन दे रहा है। हम यही कह रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर अगर इन लोगों से मिलने के लिए आपत्ति है जिसके वजह से ये टॉक्स ही कैंसिल हो रहे हैं, तो आखिरकार ये इजाज़त कौन दे रहा है और किस तरीके से दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी इसे बिल्कुल सही कदम करार दे रही है। उसका दावा है कि मोदी सरकार की नीति हमेशा से साफ रही है, हमारी प्राथमिकता सार्क देशों की गरीबी मिटाने की हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर पर हमारी नज़र कमजोर पड़ रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से इस सरकार ने एक संदेश भेजा है कि टॉक्स एंड टेरर्स कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, और दूसरा, हमारे देश के आंतरिक मसलों में अगर आप दखल देंगे तो हम इसको सहजता से नहीं लेंगे। भारत के हित में क्या है उसको लेकर भारत सरकार ने निर्णय किया है। हम मधुर संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ चाहते हैं, लेकिन भारत की रक्षा सुरक्षा और स्वाभिमान को पहले रखकर।
लेकिन उधर अमेरिका ने भी भारत पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित बातचीत रद्द होने पर चिंता जाहिर की है। उसका कहना है सवाल ये नहीं है कि बातचीत क्यों रद्द हुई और गलती किसकी थी, लेकिन इससे भारतीय उपमहाद्वीप में शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा है। साफ है कि इसकी आंच मोदी के दामन तक भी जरूर पहुंचेगी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।